आज मैं सुधाका मैम जाएंगी शॉपिंग। मैं घर से यहाँ इतनी दूर शॉपिंग करने के लिए आई हूँ। महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं और मेरे सैलरी के पैसे खत्म होने ही वाले हैं और मुझे घर के लिए सामान खरीदना है। आइए आइए इधर आइए, देखिए कितना सस्ता सामान है हमारे पास। अरे वाह, यहाँ बंद गोभी पर 50% डिस्काउंट है। मैं तो इनकी सब्जी भी बना सकती हूँ और हाँ सूप भी। मैंने सुना है बंद गोभी का सूप बहुत टेस्टी होता है और वो सेहत के लिए भी अच्छा होता है। चलो मैं बंद गोभी ले लेती हूँ। कौन है? हाय। अरे शिनचान, तुम यहाँ? मात्सुदाका मैम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं यहाँ सब्जी खरीदने आई हूँ। ये वाली बंद गोभी सबसे सस्ती है, मैम तो हमेशा यही वाली खरीदती हैं। आप भी ले लीजिए ना। इधर आओ। शिनचान, तुम्हें इतने जोर से नहीं बोलना चाहिए। तो इसका मतलब है आप सस्ती वाली गोभी ही खरीदती हैं? तो क्या आप आलू और प्याज भी सस्ते में खरीदती हैं? बताइए। मैं ये नहीं सोचती कि सस्तियाँ सब्जी हैं या महंगी। क्या सच में ऐसा है? हाँ ऐसा ही है। मुझे सब्जियाँ खरीदने दो और मुझे परेशान मत करो। तुम यहाँ अकेले तो नहीं आए होगे? तुम्हारी मॉम कहाँ है? मेरी मॉम वो वहाँ पर है। मम्मी आ गए। अगर ये मेरे साथ रहा तो मैं सब्जी नहीं खरीद पाऊंगी। ठीक है, इनके जाने का इंतजार करती हूँ और इनके जाने के बाद ही मैं कुछ खरीदूंगी। क्या हुआ मन? हाँ, अभी मेरे सामने तुम अपनी मॉम के पास गए थे ना? गया तो था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं आपको शॉपिंग में मदद कर देता हूँ। सुनिए, तुम क्या कर रहे हो शिनचान? आपको ये चोको चिप जरूर लेने चाहिए। चोको चिप? अगर ऐसा ही रहा तो सारी बंद गोभी खत्म हो जाएगी और जब तक शिनचान यहाँ है मैं बंद गोभी नहीं खरीद पाऊंगी। काश मैं इसकी मोम से कह पाती, शिनचान को संभालिए, ये मुझे शॉपिंग नहीं करने दे रहा है। लेकिन ऐसा कहना सही नहीं रहेगा। शिनचान जरा सुनो, तुम क्यों ना शॉपिंग में अपनी मॉम की मदद करो, उन्हें बहुत खुशी होगी। तुम उनके पास क्यों नहीं जाते? क्योंकि मॉम मुझे एक से ज्यादा चॉको चिप्स लेने नहीं देती। वैसे ज्यादा चॉको चिप्स खाना अच्छी बात नहीं होती। मजाक मत कीजिए। मैं मजाक नहीं करती, लेकिन मैंने एक फैसला कर लिया। जैसे मैं अपनी मॉम की मदद करता हूँ उसी तरह मैं आपकी भी मदद करूँगा। लगता है ये यहाँ से नहीं जाएगा। अब शॉपिंग के लिए तैयार है? इतना जोर से क्यों बोल रहे हो? याद आया मुझे यहाँ से चीज खरीदना था। यहाँ का चीज बहुत अच्छा होता है। आप चीज लेना चाहती हैं? हाँ, मुझे ब्रेकफास्ट में चीज सैंडविच खाना बहुत पसंद है। कौन सा लूँ? इनमें से आखिर कौन सा चीज लेना सही रहेगा? ये वाले? हाँ? देखने में तो सही लग रहा है। ये दुनिया का बेस्ट चीज है। तुमने सही कहा। अरे तुम्हें कैसे पता कि ये दुनिया का बेस्ट चीज है? वो मैंने तो बस ऐसे ही बोला था। इसने तो परेशान कर दिया। क्या तो चीज लेना चाहती हैं? एक चीज काफी है। मात्सुदाका मैम। योशिनागा मैम आप यहाँ? हेलो शिनचान। अरे नहीं, अब तो योशिनागा मैम भी यहाँ आ गई। आप क्या सोचने लगी मात्सुदाका मैम? कैसी हैं आप? हेलो, मैं योशिनागा के अंकल का बेटा हूँ। मैं मैम की हर बात मानता हूँ, पर मुझे तो नहीं लगता। योशिनागा मैम और मात्सुदाका मैम हमेशा बातें करती रहती हैं। क्या हा? कह रहे हो? अरे मैं क्या भूल गया? मैम आप मुझे थैंक यू बोलना चाहती हैं, उसके लिए आपका थैंक यू। अरे थैंक यू के बाद क्या बोला जाता है? थैंक यू के बाद वेलकम बोलते हैं। चलो अब अपनी मॉम के पास जाओ। मैम आप भी यहाँ सस्ती गोभी लेने आई हैं क्या? हाँ शिनचान, क्योंकि आज डिनर के लिए मैं सूप बनाने वाली हूँ। आप भी सूप बनाएंगी? मैंने अभी तक कुछ नहीं सोचा। मुझे पता है कि आप दोनों मुझसे मदद लेना चाहती हैं और मैंने फैसला किया है कि मैं आप दोनों की मदद करूंगा। ठीक है ना? मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। योशिनागा मैम मेरी बात सुनिए, इधर आइए। हाँ चलिए। योशिनागा मैम, शिनचान ने मुझे परेशान कर रखा है। वो आपके साथ ही यहाँ आया है क्या?
नहीं, वो अपनी मॉम के साथ यहाँ आया है और उसने मुझे शॉपिंग करते हुए देख लिया। अच्छा, लेकिन अब वो आपके साथ है तो आपको ही उसका ध्यान रखना होगा। मुझे लगता है कि आपको उसका ध्यान रखना चाहिए, आप उसकी टीचर हैं। तुम तो जानती हो मैं अकेली नहीं आई, मेरे साथ मिस्टर ऋषिजा का आए हैं। लगता है आप क्या खरीदना चाहती हैं अब वो फैसला नहीं कर पा रही। ऐसा कुछ नहीं है शिनचान, पता नहीं ये यहाँ से कब जाएगा। अच्छा बाय मात्सुज़ाका मैम। अच्छा तो फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा। वो तो बचकर निकल गई। मम आ गई। अरे आओ, शिनचान को लेने आ गई। ठीक है, शिनचान और योशिनागा मैम दोनों ही जा चुके हैं, अब मैं आराम से बन गोभी खरीद सकती हूँ। रास्ता साफ है। अरे मुझे तो लगा था कि सारी बन गोभी बिक जाएंगी। बन गोभी, इतनी मुश्किलों के बाद मैं आखिरकार तुम तक पहुँच ही गई। मुझे पता था आप जरूर लेंगी। मैं तो बस इसे ऐसे ही देख रही थी। अब मैं क्या करूं? ऐसा करती हूँ मैं वहाँ छुप कर जाती हूँ। बन गोभी खत्म होने ही वाली है। चलो उधर चलते हैं। हाँ ठीक है। क्या मुसीबत है, पता नहीं बार बार ये सब मेरे सामने क्यों आ जाते हैं। ये ठीक रहेगा। वो तो सामने ही है, ऐसा करती हूँ कि मैं थोड़ा घूम कर जाती हूँ। ठीक है। मैं पहुँच नहीं वाली हूँ, बस दो ही बची हैं। हाँ, ये आखिरी बन गोभी मेरे ही नाम की है। हाँ? आपका शुक्रिया। चलिए, आखिरी बन गोभी भी चली गई। मैं तो आज एक भी बंद गोभी नहीं खरीद पाई। मेरी मॉम ने दो सस्ती गोभी खरीदी थी, एक आप ले लीजिए। बाय बाय। शुक्रिया।